तो हेलो दोस्तों, आई एम केडी भारद्वाज। माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉग और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ब्लॉग करने जा रहे हैं मनाली की वादियों में, और ये देख सकते हैं पीछे मनाली की वादियाँ कितनी सुंदर, पहाड़ी कितनी सुंदर लग रही है, वो बादल। तो दोस्तों अभी मनाली मार्केट जा रहे हैं हम। तो दोस्तों ये रहा पीछे सोलंग वैली, इन खूबसूरत पहाड़ियों में हरी भरी घास और हरे भरे देवदार के पेड़। ले लद्दाख रोड। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये न्यू ब्रिज है और ये ब्रिज जो पड़ता है पलचान में पड़ता है मनाली, और ठीक यहाँ से रास्ता लेह लद्दाख के लिए है। तो ये देख सकते हैं आप सोलंग वैली की पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा। अभी हम बस में बैठ चुके हैं मनाली के लिए, तो बस में कुछ सफ़र करने का मज़ा कुछ अलग ही है। तो ये देख सकते हैं आप सामने गांव बुरुआ और मजाच, बहुत सुंदर विलेज है यहाँ पे। जब भी आप मनाली आए तो इन विलेज में ज़रूर घूमें, और बहुत अच्छे अच्छे गांव है यहाँ पे, बहुत पुराने पुराने घर है। तो ये देख सकते हैं आप और कितना सुंदर, और यहाँ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप, बाहंग में बहुत बुरा हाल हो चुका है, बरसात ने पूरी तबाह मचा दी है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया था और पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे। अब तो यहाँ पे काम शुरू हो गया है, इधर उधर मलबा मुलबा उठा के और पत्थर पुथर उठा के साफ़ सफाई कर दी है, ताकि क्योंकि पीछे से जितना भी फ्लड आया था और यहाँ पर पूरा उसने नुकसान कर दिया, पूरा टूट गया है, गाड़ी चलने के लिए भी दिक्कत है यहाँ पे, और ये पूरा बरसात ने हालत ऐसी कर दी है रोड की। ये पहुँच गया हम मनाली, और ये मनाली का ब्रिज है, यहाँ देख सकते हैं आप व्यू कितना सुंदर लग रहा है। तो ठीक ब्रिज क्रॉस करके जो सामने बाईपास रोड जाता है लेफ्ट साइड, तो ये रोड हडिंबा टेंपल तक जाता है। ये पहुंच गया हम मनाली बस स्टैंड में, और ये मनाली का बस स्टैंड है। तो यहाँ देख सकते हैं आप आसपास, यहाँ काफ़ी मार्केट है घूमने के लिए और मॉल रोड है, आप यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ मॉल रोड में माँ दुर्गा का मंदिर है, यहाँ आप माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं, और यहाँ मॉल रोड में घूम सकते हैं आप। यहाँ पे अच्छी अच्छी पेंटिंग हुई है, और आप पेंटिंग भी ले सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये मनाली स्वीट्स है, सुपर स्वीट्स है यहाँ पे। यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेकर। हमने यहाँ पे रसमलाई की एक एक प्लेटें ली है हमने। जब यह मनाली आए तो रसमलाई यहाँ पे ज़रूर खाएं, और इतनी स्वादिष्ट यहाँ पे रसमलाई है ना, वाह बहुत ही मज़ा है। रसमलाई का मज़ा कुछ अलग ही है। जब यह मनाली है तो मनाली स्वीट्स में आप ज़रूर आएं, और यहाँ की रसमलाई आप ज़रूर टेस्ट करें।
अब हमने यहाँ पे खाने की पेमेंट कर दी है, अब चलते हैं माल रोड की तरफ। तो अब हम मिलने गए थे एक अपने भाई साहब से जो कि हमारे मंडी से है और सराज वैली से। तो इनकी मॉल रोड में म्यूजिशियन की शॉप है और यहाँ पे हर एक चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ले सकते हैं ढोलक, गिटार और हारमोनिया, तबला, जो भी आपको सामान चाहिए यहाँ पे आपको मिलेगा। जब भी मनाली आए आप, ठीक मॉल रोड के सामने इनकी ऊपर दुकान है और यहाँ से आप सामान ले सकते हैं। तो अब हमें भूख भी लगी थी और फिर हमने सोचा लंच कर लेते हैं। तो फिर हमने लंच की तैयारी के लिए हमने बोला थुपका खा लेते हैं। तो हमने थुपके का ऑर्डर लगाया था और मेरे साथ जो फ्रेंड था उसने चाउमीन का ऑर्डर दिया था और मैंने थुपका लिया। तो यहाँ मनाली में थुपका बहुत टेस्टी है। अब बैठ गए हम बस में, अब चलते हैं अपने सोलंग वैली की तरफ। यह फिर देख सकते हैं अब गाइस रोड की हालत कैसी ख़राब है और बरसात में जो फ्लड आया था तो उसने कितना तबाह मचा दिया था। यहाँ पे पूरा पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है, पानी का स्रोत कम दिखाई दे रहा है। तो यह देख सकते हैं आप सामने सोलंग वैली और कोठी पलचान गांव कितना सुंदर दिख रहा है और बादल कितने प्यारे दिख रहे हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। जब आप मनाली आए तो यहाँ ज़रूर इस प्लेस में आप ज़रूर आए। ये रहा पलचान गांव। यहाँ से राइट साइड होके जो रोड जाता है वो रोहतांग के लिए जाता है और लेफ्ट साइड से जो रोड जाता है वो लेह लद्दाख के लिए जाता है। यहाँ देखते थे आप कितना प्यारा गांव है। ठीक है दोस्तों, हमारा ब्लॉग यहीं तक और मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। तब तक हमारी वीडियो में बने रहें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।